हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद सईद। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और देखने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियोस। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। प्रभु आ रहे हैं। प्रति वर्ष एक बार बार मंदिर छोड़ कर 8 दिनों के लिए आपकी ममता का सुख भोगने के लिए आपके निवास धाम आया करूंगा। भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ साथ मेरी रथ यात्रा निकलेगी। हरे कृष्णा, आज कार्तिक मंथ का आखिरी दिन है और सौभाग्य से हम लोग पुरी में हैं। मैं देख रहा हूँ कि लास्ट के कुछ दिनों में भीष्म पंचमी, स्पेशली लास्ट के जो 2-3 दिन है, इसमें लाखों लाखों लोग जो है वो पुरी में आ गए हैं। आप समझिए, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई होटल बुक नहीं है कि एसी हो, गीजर, कुछ नहीं है। मतलब खुले आसमान के नीचे लिटरली सड़क के ऊपर वो लोग सो रहे हैं। मुझे तो पता नहीं वो लोग कहाँ टॉयलेट जाते हैं, कहाँ नहाते हैं, कैसे करते हैं। ये जो आप येलो टेंट देख रहे हो, ये लाइनें लगी हुई है मंदिर के अंदर एंट्री करने के लिए। कई कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है। कोई वीआईपी दर्शन नहीं है, घंटों घंटों लाइनों में खड़े हैं। मुझे पता नहीं कि लाइन में लगे होंगे, कब उनका नंबर आता होगा, कब वो बेचारे मंदिर के अंदर जाएंगे। लेकिन एक उनको उम्मीद है कि हम लाइन में खड़े हैं, कभी ना कभी ऐसा होगा कि हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे, कभी ऐसा होगा कि हम लॉर्ड जगन्नाथ जी के जो वहाँ पे दर्शन कर लिए। और कितनी देर के लिए? हार्डली 1 या 2 या 3 सेकंड के लिए। उस 2 या 3 सेकंड के दर्शनों के लिए पता नहीं कितने दिनों से सड़क पे सो रहे हैं, कितने घंटों से वो लाइनों में लगे हैं। मुझे पता नहीं इतना डिवोशन जिन लोगों के अंदर होता है, उनको महसूस कैसे होता है। काश हमारे अंदर कभी ऐसी धाम निष्ठा हो, भगवान के दर्शन पाने की ऐसी ललक हो, ऐसी तीव्र इच्छा हो। हरे कृष्ण। और इतनी तेज वर्षा हुई और सुबह जगन्नाथ जी पहुंच गए जहाँ कुछ पहुंचना था, गुंडीचा मंदिर, वहां पहुंच के खड़ा हो गया। वर्षा तेज हो रही है, अब आरती का समय आ गया तो पुजारी आरती कैसे करेंगे, क्योंकि बरसात होने तो गुंडीचा तो भूल जाएगा। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे सुन के, भगवान की जगन्नाथ जी की कृपा देखिए, उनकी अचिंत शक्ति देखिए, रात के ऊपर एक भी बूंद नहीं गिरा। और रथ के सामने वर्षा हो रही, रथ के सामने वर्षा। They go everywhere. They're traveling everywhere.
देखो एक ईच एंड एवरी कंट्री में दिस इज शालिना दिस इज गौरव Can I get them darshan? They are just so cute. They are so cute. Wow. Wow. Jai Subhadra Maharani and Jagannath Ji. Kya baat hai? They are Lord of the Universe. Jai Jagannath. क्यों शीशे में दिखाई देना बंद हो गए भगवान जगन्नाथ के चेहरे की परछाई दोस्तों आज भी जगन्नाथ पुरी में जब पंडित जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं और उनकी हथेली में जल रखते हैं तब उनकी परछाई इस पानी में साफ दिखाई देती है तब माना जाता है कि प्रभु ने भोग स्वीकार कर लिया है पर 1890 में जन्माष्टमी के दिन जब भोग के वक्त जगन्नाथ जी की परछाई नहीं दिखी सब चौंक गए राजा तक बात पहुंची जगन्नाथ खाना नहीं खा रहे हैं पूरे दिन सब अलग अलग पकवान बनाकर लाए पर परछाई नहीं दिखी तब पुरी के राजा ने ठान लिया कि बिना इसका कारण जाने वो खाना नहीं छुएंगे मंदिर में भूखे बैठे राजा को आंख लग गई तो सपने में जगन्नाथ जी आए और बोले राजा मैं मंदिर में था ही नहीं मैं एक निर्धन भक्त की कुटिया में उसके हाथों का बना भोग खाने गया था जब मैं यहाँ था ही नहीं तो मेरी परछाई कैसे दिखती इसके बाद जब पंडितों ने दोबारा भोग चढ़ाया जगन्नाथ जी की परछाई साफ दिखने लगी भगवान जगन्नाथ के चमत्कार के लिए कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखें भगवान श्री कृष्ण एक नाम है तो बस एक नाम भगवान श्री कृष्ण का है जगन्नाथ यानी पूरे जगत के नाम है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स एक बार मंदिर छोड़कर 8 दिनों के लिए आपकी ममता का स्वस्थ होने आपके निवास धाम आया करूंगा अशार शुक्ल रुपया को प्रतिवर्ष इस मंदिर में मैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ साथ मेरी रथ यात्रा निकलेगी बिल्कुल यार काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स थे अब रथ यात्रा भी निकलने वाली है मुझे लगता है 7 जुलाई को यह 4 दिन ही रह गए हैं और चौथे दिन एक रथ यात्रा निकलेगी और काफ़ी ज़्यादा एक वेट है सबको एक रथ यात्रा और एक बहुत ज़्यादा एक पब्लिक है ना वो तो अभी से जाना शुरू कर देगी क्योंकि एक जितना बड़ा रोड है ना वो फुल होता है और एकदम से यार लोग पहुंच जाते हैं और ऊपर से एक जो फ्लैग है ना उसकी अगर एक बात की जाए ना तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने वाला होता है कि एक अपोजिट जो है ना वो हवा के बिल्कुल एक दूसरी तरफ जा रहा होता है वो काफ़ी एक देखने वाला होता है नहीं वाकई सही है एक फ्लैग की भाई वाकई एक ना मतलब कि एक हैरत अंगेज भाई एक चीज़ देखने वाली है क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं अब हवा को तो भाई नहीं ना कंट्रोल किया जाता लेकिन आप देख लो कैसा एक चमकदार है कि मतलब कि एकदम से अपोजिट हर चीज़ चलती है और यात्रा पर आए तो वो काफ़ी भाई एक हिस्ट्री पर चले जाएँ तो वो काफ़ी ना एक मतलब कि सुनने वाली भी है और कैसा एक हुआ था वो सारा सीन उसका भी सारा भाई पता है नहीं बिल्कुल बेसिकली तो एक जब निकलेगी ना पहले भी एक अद्भुत ब्लॉग हमने देखा है लेकिन ये कि वो एक स्टार्ट से पहले वाला देखा जब निकालते हैं जा रहे होते हैं वो भी नहीं देखा लेकिन इस दफ़ा वो ज़रूर देखेंगे लेकिन ये कि भाई इसमें काफ़ी आपको चीज़ें देखने को जिस तरह आप बारिश वर्षा की वो बात बता रहे थे कि एक जो है ना जिस तरफ रथ यात्रा जा रही थी रथ जा रही थी वहाँ पे बारिश नहीं थी लेकिन उसके अपोजिट अगर सामने देखे तो वहाँ पे बारिश हो रही थी और साथ उस वो वीडियो में भी वही नज़र आ रहा था है लेकिन ये कि बहुत बड़ा भाई इवेंट है और बिल्कुल करीब भी है तो जरूर देखने वाला होगा नहीं बाकी एक जो शॉट आया था ना भाई एक मतलब के जैसे वो 8 दिन के लिए या 7-8 दिन के लिए गए थे कुटड़ी में भाई वो एक नहीं वो तो एक दिन के लिए गए थे उस वक्त जब भोग चढ़ा रहे थे वैसे 7-8 दिन के लिए तो वैसे एक मंदिर से बाहर निकलते हैं वो बता रहे थे भाई बाकी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स थे उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे अगर पसंद आए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नहीं एक साथ अब तक के लिए गुड बाय टेक केयर